क्या रूस यूक्रेन युद्ध में अब बायो वेपन की भी एंट्री हो चुकी है? ये सवाल इसलिए क्योंकि यूक्रेन में इन दिनों बहुत तेजी से हैजा फैल रहा है। यूक्रेन के आम लोगों के साथ बड़े पैमाने पर सेना के जवान बीमार हो रहे हैं। काखोवका डैम से निकलने वाले पानी की वजह से कई गंभीर बीमारियां फैल रही हैं। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या रूस ने डैम को बायो वेपन के तौर पर इस्तेमाल किया, जबकि रूस आरोप लगा रहा है कि बीमारी की वजह यूक्रेन में मौजूद अमेरिकी लैब से बैक्टीरिया का लीक होना है। ना गोली चल रही है ना बारूद बरस रहा है, लेकिन फिर भी यूक्रेन के कई सैनिक अस्पताल में हैं। यूक्रेन के कई इलाकों में खतरनाक बीमारी फैल रही है। हालात ऐसे हैं कि सरकार के लिए काबू करना मुश्किल हो जाएगा। त्रासदी बिल्कुल वैसी है जैसा किसी बायो वेपन के इस्तेमाल के बाद होती है। यूक्रेन के कई इलाकों में हैजा फैल गया है। यूक्रेन के कई सैनिक अस्पताल में भर्ती हैं। निकोलेव में लोगों को क्वारंटीन किया गया है। संक्रमण फैलाने वाले बैक्टीरिया का पता लगाया जा रहा है। माना जा रहा है कि काखोवका डैम टूटने के बाद जिस तरफ पानी का तेज बहाव निकला, वहां एंथ्रेक्स संक्रमित जानवर दफन थे। उन्हीं जानवरों के अवशेष बाहर आने के बाद कई इलाकों में संक्रमण फैला है और मरीजों में हैजा के लक्षण हैं। कई जगहों पर पानी का रंग भी हरा दिखाई देने लगा था। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या काखोवका डैम को रूस ने बायो वेपन की तरह इस्तेमाल किया है, लेकिन रूस अमेरिका पर आरोप लगा रहा है। रूस का आरोप है कि यूक्रेन के ओडेसा में अमेरिका की लैब है। रूस का आरोप है कि ओडेसा की बायो लैब से ही लीकेज हुई है। अमेरिकी लैब में लीक की वजह से हैजा फैला है। रूस का आरोप है कि यूक्रेन में अमेरिका संक्रमण वाले वायरस और बैक्टीरिया पर रिसर्च कर रहा था। रूस ने आरोप लगाया है कि अमेरिका रूस में ड्रोन और विमान से जहरीले मच्छर को छोड़ने की तैयारी में है। अमेरिका का प्लान मच्छर से रूसी सैनिकों में बीमारी फैलाने का है। रूस का आरोप है कि अमेरिका ने खास तरह का ड्रोन तैयार किया है। ड्रोन में मच्छरों से भरा बॉक्स लोड किया जा सकता है। मच्छरों को हवा में छोड़ने के लिए बॉक्स में खास तरह का दरवाजा है। आरोपों के दौर के बीच यूक्रेन में संक्रमित बीमारी फैल चुकी है, जबकि रूस में संक्रमण का खतरा है। यूक्रेन का आरोप है कि संक्रमण फैलाने के लिए रूस ने काखोवका डैम को तोड़ा है। यूक्रेन की तरफ से एक तस्वीर भी जारी की गई है। तस्वीर में डैम के ऊपर एक कार नजर आ रही है। कार में विस्फोटक होने का दावा किया गया है। कार से एक तार भी अटैच है। दावा है कि कार के विस्फोटक का इस्तेमाल भी डैम तोड़ने के लिए किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9 भारतवर्ष।